नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और बार एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे EMA सिकंदराबाद जो रिलेशन भर्ती उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों तो ये है आज का एक अपडेट जिसमें हम 1 EMA सिकंदराबाद जो यूनिट है उसकी भर्ती के बारे में बात करेंगे जो रिलेशन भर्ती है। एक नया अपडेट आया है तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1 EMA जो सिकंदराबाद है उसमें अक्टूबर 2019 में रिलेशन भर्ती है। डेट की बात करें तो ये 24 नवंबर तक चलेगी, 16 अक्टूबर से 24 नवंबर तक। इसमें मैं आपको डेट बता देता हूँ, जैसे स्टार्ट कब से होगी, 16 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगी। रिलेशन भर्ती है तो इसमें अदर सेंटर अलाउड हैं, बिल्कुल अलाउड है इसमें अदर सेंटर। और इसमें सारे सर्विस, एक्स सर्विसमैन, वॉर विडो, विडो और रियल ब्रदर वाले कैंडिडेट्स अलाउड होंगे, ओपन वाला कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा इसमें। अब बात करते हैं, ये थी रिलेशन भर्ती और इसमें है ट्रेड, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेड का उसकी बात करें तो हम इसमें है GD, टेक्निकल और ट्रेड में, तीन इसमें ट्रेड हैं। अब क्यू आर कलर की भर्ती नहीं है EMA में। और अब बात करते हैं इनकी एज और क्वालिफ़िकेशन की। GD की एज है 17.5 से 21। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं जल्दी से तो हम 10th में पास होने चाहिए आप, और 45% आपके टोटल होने चाहिए, और 33 मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम होने चाहिए। बात करें टेक्निकल की, टेक्निकल वाला बच्चा सिर्फ वही फिज़िकल देने के लिए एलिजिबल है जिसके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, और आपकी पास मतलब 50% आपके टोटल होने चाहिए, और 40 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन में आपका इसमें दो टाइप की जॉब्स हैं, एक तो होती है 10th बेस पर, एक होती है 8th बेस पर। और एज इसमें 17.5 से 23 आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम नहीं मतलब एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, कोई मार्क्स का इशू नहीं है कि आपके इतने मिनिमम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं फिज़िकल डिटेल्स की। फिज़िकल डिटेल्स में जैसे आप सभी को पता है 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी, जिसमें 5:45 पूरा टाइम दिया जाएगा EMA सेंटर में। अभी EMA सेंटर एक जो असम में है उसमें भी पूरा, असम में पता नहीं कहाँ है, उसमें पूरा टाइम दिया गया था EMA वालों को। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हम, फिर उसके बाद आपके पुलअप्स होंगे, पुलअप्स के बाद आपके ज़िगज़ैग रनिंग होगी एक छोटी सी, और एक 9 फुट का एक गड्ढा होता है। अब बात करते हैं, इसमें बता रखा है कि 16 अक्टूबर की आपकी रिपोर्टिंग है। आपका 16 अक्टूबर को फिज़िकल नहीं होगा, आपका वहाँ जाते ही सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे जो, और उसके बाद जो उनका सिस्टम होता है टोकन वाइज, टोकन के हिसाब से आपका नंबर आएगा, उसके बाद आपको टोकन में जो आपका नंबर आएगा उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपका फ़िज़िकल कितने तारीख को है। मतलब आप 16 को जाओगे तो आपको टोकन वगैरह मिलेंगे 17 को, और आपका मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद ही आपको टोकन मिलेगा। फिर एक या दो दिन बाद मतलब 18 या 19 को आपका फ़िज़िकल होगा। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपके पास मैक्सिमम सारे होने चाहिए, क्योंकि जो AMC सेंटर की अभी 2 सितंबर से भर्ती चल रही है उसमें 10,000 कैंडिडेट्स पहुँचे थे, और जिसमें से 2,000 कैंडिडेट्स जो हैं डॉक्यूमेंट में निकाल दिए, क्योंकि इसमें नॉन जुडिशियल जो एफिडेविट है वो भी मांग रहे हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो ज़रूर देखें। वो अब मैक्सिमम सेंटर में मांगते हैं आपका फ़िज़िकल अगर हो गया तो, फिज़िकल और मेडिकल अगर आपका क्लियर है तो नॉन जुडिशियल वाला ज़रूर मांगते हैं। ये एक मतलब सर्टिफिकेट होता है नॉन जुडिशियल का, जिसमें आपके बारे में और आपके फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। ये आपका स्टैम्प पेपर पर बनता है, जिस पर एक नोट छपा होता है, वो वाला स्टैम्प पेपर पर। इसकी मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा अभी इसके बाद। और तो दोस्तों यही था एक छोटा सा नोटिफिकेशन EMA सेंटर का। डॉक्यूमेंट में आपकी बात करें तो वही आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपका 20 फ़ोटो होनी चाहिए, और एक रिलेशन सर्टिफिकेट, ये चार चीज़ें, और आधार कार्ड, ये 4-5 चीज़ें जो आपके पास शुरू में फ़िज़िकल के लिए नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन जो EMA सेंटर है इसमें फ़िज़िकल से पहले डॉक्यूमेंट एक बार पहले वेरीफाई होते हैं, जिसमें टोकन दिए जाते हैं, तो इसमें आपके ज़्यादातर चांस ये रहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट में भी निकाल सकते हैं, आपका फ़िज़िकल ही नहीं देने देंगे, तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें। और जो ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अनमैरिड सर्टिफिकेट होता है, ये वाले ये बाद में ही मांगते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। जो कहते हैं कि अनमैरिड वाला पहले चाहिए होता है, कास्ट वाला पहले चाहिए होता है,
इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। जो एक करेक्टर भी होता है जो हम गांव के सरपंच से बनवाते हैं, इसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि इसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं भर्ती में शुरू से लेकर लास्ट तक जो जो आपके पास होने चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा अपडेट EME सेंटर सिकंदराबाद के बारे में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए हर भर्ती अपडेट का और रिज़ल्ट का। तो थैंक यू।